जब से मैं पीएसएल से वापस आया हूँ, मुझे बहुत सारे सवाल अलग-अलग किस्म के सुनने को मिले, इंक्लूडिंग कि तुम्हारा प्लान क्या है, अब तुम क्या करोगे। तो मैं इन सारे सवालों का जवाब देता हूँ अभी। ये और जो बाकी और 9-10 सवाल पूछे गए हैं, उन सबका जवाब मैं अभी ही देता हूँ, अभी आज, राइट नाउ। ज्यादा हो गया थोड़ा सा, थोड़ा नेक्स्ट टाइम इजी आना पड़ेगा। सवालात से पहले सबसे ज़्यादा कमाल बात यह है कि आपको याद होगा कि मेरे टेबल पर हमेशा एक बॉल हुआ करती थी जो मुझसे एयरपोर्ट पे छीन ली गई थी जब मैं पीएसएल गया था बड़ी बेरहमी से। लेकिन द बॉल रिटर्न्स, द बॉल रिटर्न्स। तुम कितने बॉल मारोगे हर घर से? नहीं, खुलना खुलना। हाँ तो भाई, पहला सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा वो ये था कि क्या हाल है ब्रो। यार मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल अल्लाह का बहुत शुक्र है। थोड़ी थकन हो गई थी मुझे पीएसएल से आने के बाद, तो मैंने 1-1.5 हफ्ता आराम से रेस्ट किया। खैर रेस्ट नहीं किया, थोड़े काम किए, लेकिन जितना काम मैं नॉर्मली करता हूँ उतना काम मैंने नहीं किया। और अच्छा हुआ, बिकॉज इंसान को एक गैप चाहिए होता है। कुछ भी इंसान करे, अगर भले उसको जितना भी उस चीज़ का शौक हो, अगर वो गैप नहीं लेगा एक टाइम के बाद, वो बोलेगा भाई मेरे से और ये नहीं होता है। तो गैप लेना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा सवाल यार, तुम्हारी पीएसएल के वीडियोस का रिस्पांस कैसा आया? यार रिस्पांस जैसा भी आया बस करना, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही आया। स्पेशली जो मेरी फाइनल वाली वीडियो थी पीएसएल की, वो तो बहुत 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 कमाल आप लोगों की वजह से। उसके अलावा टोटल मिला के जितने मुझे सारे वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं, वो मैंने ज़िंदगी में कभी व्यूज़ एक साथ देखे नहीं है कभी इतने अपने चैनल पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लाइफ इज गुड। वापस आने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? वापस आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली मैं पीएसएल को बहुत मिस कर रहा हूँ। क्रिकेट आपके भाई के खून के अंदर है, हाथ काट दोगे क्रिकेट बाहर निकलेगी अभी। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था जो मुझे दुबई में नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल चाय, चाय इज नॉट इन द सीन सिस्टम एनवायरमेंट ऑफ दुबई, इट इज, बट कराची की चाय आपको पता ही है। मैं अपने घर के खाने को बहुत मिस कर रहा था, अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहा था, अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था, मैं अपने कमरे को बहुत मिस कर रहा था, इन सब चीज़ों को मैं बहुत मिस कर रहा था। तो मुझे वापस आने के बाद बहुत खुशी हुई है कि मुझे ये चीज़ें दोबारा ज़िंदगी में मिल गई। लेकिन मैं अपने से 2 कदम दूर मोहम्मद आमिर को बॉलिंग करते हुए देखने को मिस बहुत कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप जाओगे? वर्ल्ड कप का प्लान है? देखो भाई, जिस तरह मैं पीएसएल गया हूँ ना, जिस तरह मैं पीएसएल गया हूँ, तो मेरा प्लान तो नहीं था पीएसएल जाने का। आप लोगों के सामने है जो था, वो तो कुछ एक मैंने कुछ कर दिया, फिर दूसरी चीज़ खुद ब खुद हो गई, तीसरी चीज़ खुद ब खुद कहानी में आ गई। तो ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। मैं ज़िंदगी में वो बिलीफ रखता हूँ कि जो चीज़ आपको चाहिए दिल से, तो कायनात उसको मिलाने में जुड़ जाएगी, आपको वो चीज़ दिलाने में। तो टेंशन ना लो, हमें वर्ल्ड कप जाना है, ज़रूरी जाना है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैनचेस्टर में देखना है, ज़रूरी देखना है। इंस्टाग्राम लाइव कब से नहीं किया आपने? क्या मतलब, पागल तो नहीं है? पागल तो नहीं है। इंशाल्लाह कल, आप अगर ये वीडियो फ्राइडे को देख रहे हैं तो इंशाल्लाह कल, विच इज सैटरडे को, इंस्टाग्राम लाइव करते हैं और चिलिंग करते हैं। अब होंगे इंस्टाग्राम लाइव, डोंट वरी, डू नॉट वरी एट ऑल मेट। बाय द वे ग्रीन टी, हर मर्ज का इलाज ग्रीन टी। What's your next big thing, bro? PSL was so big. What's your next big thing, bro? यार next big thing जो मुझे immediately पता है इस वक्त कि वो होंगी, वो ये है, एक तो जून जुलाई में मैंने ट्रैवल करना है थोड़ा सा। अल्लाह करे वर्ल्ड कप हो जाए, तो वर्ल्ड कप की एक बड़ी एक्साइटमेंट है, वो काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। जितने मैंने अभी तक ट्रैवल व्लॉग्स बनाए हैं, मैंने ट्रैवल की वीडियोज़ बनाई हैं, उससे थोड़ा हट के मैं करना चाहता हूँ अब इस ट्रैवल के सीज़न में। मतलब ट्रैवल व्लॉग्स भी अगर बनाऊँ तो ऐसे बनाऊँ कि ज़िंदगी में आपने कभी उस तरह की चीज़ देखी ना हो, ये मेरा एम है। उसके अलावा मेरी इन द नेक्स्ट मंथ इश कुछ यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकती है। ओए एक सेकंड चेक कर लूँ, एक बंदे को मैसेज किया हुआ था, उसका रिप्लाई ना आ गया। बड़ा ज़रूरी मैसेज था, बता नहीं सकता, बहुत ज़रूरी था। नहीं, एनी हो, तो हाँ कुछ यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो हम प्लान कर रहे हैं। बताऊंगा नहीं कौन, मज़ा नहीं आएगा आपको पता है। सस्पेंस तो आपके भाई के हाथ में, काटो हाथ काटो, सस्पेंस बाहर निकलेगा। तो पैसे कमाने कब शुरू कर रहे हो यूट्यूब से? पैसे देखो, यूट्यूब की मेरी मोनेटाइजेशन जो इटसेल्फ है वो मैं ऑन हो गई है, मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का पार्ट बन गया हूँ। लेकिन मैं करता ही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वो वाले गाने इस्तेमाल करता हूँ जो कॉपीराइटेड हैं,
तो उसमें क्या होता है, फिर उसमें आपके जो वीडियो की मोनेटाइजेशन होती है वो उस कॉपीराइट ओनर के पास जाती है, आपके पास नहीं आती। तो उसके एड्स के पैसे वो कमाते हैं जिसका गाना आपने इस्तेमाल किया है, और आप नहीं कमाते। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब मोनेटाइजेशन की रेट इतनी, एक क्या कहते हैं, समझ रहे ना आप, वो वर्ड में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, वो है, लेकिन असल कमाई है ब्रांड से पाकिस्तान में। और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी इंसान इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहेगा उसको कहीं ना कहीं जहन में ये होता है कि भाई मैं सिर्फ ऐसा कमाऊँ। सीधी बात है, मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से ब्रांड्स आए, और मैं बहुत एज अ गुड क्या कहते हैं बिजनेस माइंडेड पर्सन, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ में ब्रांड्स आएँ, और मैं बहुत कॉन्शियसली उसके पीछे उसको पाने के लिए एफर्ट भी कर रहा हूँ। ये आपके सामने सच सच बात है, कुछ छुपाने की बात नहीं है। आप लोग सुनोगे तो किसको बताऊँगा फिर मैं ये बात, तो देखें इंशाल्लाह, कोशिश तो पूरी है, कभी ना कभी क्या, इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह वील गेट अ ब्रांड ऑन बोर्ड एज वेल फॉर समथिंग। आई डोंट नो, यू विल सी, यू विल बी देयर, ऑब्वियसली इट विल बी फॉर यू। व्हाट्स योर ओवरऑल प्लान नाउ? यार जो मेरे प्लान के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने क्या करना है, दूसरा हिस्सा ये है कि मैंने ये करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, लेकिन वो देखते हैं होता ही नहीं होता। तो जो ये हिस्सा है ना कि जो देखते हैं होता नहीं होता, उसके लिए मेहनत करूँगा, वो वर्ल्ड कप आ जाता है उसके अंदर। और जो ये चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि मैं करूँगा, वो ये है कि मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर स्टोरी टेलिंग और बेहतर करनी है। मैंने बहुत चीज़ें सोची हुई हैं कि एक कहानी को अलग अलग तरीके से बताने के जो एक तरीके होते हैं उस पर किस तरह काम करना है, मैं काफ़ी उस पर आजकल काम कर रहा हूँ। लेकिन एक सवाल जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा और उसका जवाब मैं उनको नहीं दे पाया, क्योंकि उसका जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये है कि यार नवीद भाई, आप PSL से होके आ गए, बहुत आला काम किया आपने, छा गया। लेकिन आपको याद हो, अगर तो आप सही तरह याद हो आपको, तो PSL से जाने से पहले आप किसी वीडियो कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे। बिल्कुल सच बात है। अगर आपने मेरे चैनल को और मेरे ज़िंदगी को अभी ज्वाइन किया है PSL के दौरान, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं PSL में जाने वाला था उससे पहले बिल्कुल मैं एक वीडियो कॉम्पिटिशन की बात कर रहा था जो होने वाला था, और हो चुका है, वो ख़त्म हो गया। और उसके लिए सीन ये था कि उसके लिए मुझे एक वीडियो बनानी थी जो मैंने ऑनलाइन अपलोड करके सबमिट करनी थी, और फिर वो मैं जीता या नहीं जीता वो फिर कहानी आनी थी बाद में, वीडियो कॉम्पिटिशन होने के बाद। अब फिर बीच में PSL आ गया और फिर मैं चला गया, और मैंने उस कॉम्पिटिशन के बारे में रत्ती भर जिक्र नहीं किया, रत्ती भर। और मैंने इसलिए नहीं किया है बिकॉज उस वीडियो कॉम्पिटिशन का क्या हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, वो एक कहानी ऑन इट्स ओन है। मतलब वो आपको पता है कि आपकी भाई की ज़िंदगी में कोई चीज़ ईजी तो होती है नहीं, तो वो भी ईजी नहीं हुई, कहानी हुई। तो मैंने कहा कि देखो भाई, दो चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, एक तो ये कि हम किसी कहानी को अधूरा छोड़ते नहीं, कहानी शुरू की है तो ख़त्म तो करेंगे ही करेंगे, उस कहानी को भी ख़त्म करेंगे। और वो कहानी इतनी क्रेज़ी हो गई थी कि मैंने कहा उसको थोड़ा आराम से ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं वेरी सून, इन 2 to 3 days, यू विल लाइक इट। तखलिया मेरा जूता है जब पर